एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ECET एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 EVS चैप्टर 21 ट्रैवल एंड एडवेंचर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग रेडी है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चल, एडवेंचर स्पोर्ट्स रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ फिजिकली फिट बॉडी। The mind should be prepared to undertake any kind of risk. देखो, adventure क्या रहता है? ये आपके mind को strong करता है। Adventure आपको physically fit बनाता है। और आपका जो mind है, वो हमेशा prepare रहना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार का risk ले सके। It should move out of the comfort zone and learn to feel the thrill of an adventure. और इट शुड मूव, है ना, आपको मूव करना चाहिए। कंफर्ट जोन में तो आप हैं, ठीक है, उसमें क्या है, आप कुछ सीखते हैं। यदि आप कोई एडवेंचर कर रहे हैं तो आप कुछ थ्रिल, रोमांच सीखते हैं, तो इन सब के लिए आपको रेडी होना चाहिए। एडवेंचरर्स कैन बी एक्सपीरियंस अंडर द सी, आउट इन द स्पेस, अप इन द माउंटेन्स एंड डीप इनसाइड द जंगल एज वेल। एडवेंचर हो सकते हैं कई प्रकार के, जैसे कि एक एग्जाम्पल है पानी के अंदर, स्पेस के बाहर, या माउंटेन के ऊपर, या फिर जंगल के अंदर। आप किसी भी प्रकार से अपने एडवेंचर्स को कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना, और आप फ्रील भी फ्रील कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेनियरिंग, इट मीन्स पर्वतारोहण, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने की एक प्रक्रिया। माउंटेनियरिंग इन्वॉल्व्स पैशन फॉर क्लाइंबिंग अप टू द हाईएस्ट पीक एंड लुकिंग डाउन फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये जो माउंटेन पे चढ़ने की एक कला है, ये एक पैशन होता है। हर किसी के अंदर ये चीज नहीं रहती है कि आज तुमको ले चलते हैं, चलो तुम चढ़ना। तो कई बच्चे तो डरपोक होते हैं, कई बड़े लोग भी डर जाते हैं, है ना। तो ये एक पैशन है, ये वही बंदे कर सकते हैं जिनको शौक रहता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक पे चढ़ने का शौक रहता है, वहां से नीचे झांकने का शौक रहता है। हम तो छत से नीचे नहीं झांक सकते, तो बड़ा टफ रहेगा हम जैसे लोगों के लिए, है ना। द पेन एंड एफर्ट that goes into climbing a mountain seems worthwhile when the summit is reached. जब हम means जो mountaineers रहते हैं, जो पर्वतारोही रहते हैं, वो एक pain और effort दोनों चीज, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो दोनों चीज लगाते हैं। और वो दोनों चीज लगाते समय तकलीफ तो होती है, अपना effort लगाते समय उन्हें दर्द होता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तेंजिंग नार्गो एंड सर एडमंड हिलरी वर द फर्स्ट पीपल टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। तेंजिंग नार्गो एंड एडमंड हिलरी, ये दो ऐसे बंदे थे जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर पाए थे। कब किए थे? 29 मई 1953 को। The steep slopes of the mountains and the challenges they offer provide a thrill to the mountaineers. Rock climbing and trekking are other adventurous activity that can be posed on the mountains. जो माउंटेन की जो खड़ी स्लोप्स रहती है ना, खड़ी ढलान रहती है, वो हमें चैलेंज करती हैं, है ना, रोमांच के लिए चैलेंज करती है माउंटेनियर्स को। और फिर वो लोग किस टाइप के एडवेंचर करते हैं माउंटेन पर, वो है रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, ये एक्टिविटी वहां पर वो करते हैं। देर आर माउंटेन क्लाइंबर्स हु गो ऑन एक्सपेडिशंस टू कंक्वेर हैजर्डस एंड डिफिकल्ट माउंटेन पीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें, खतरनाक चीजें करने के बाद वो जीत को हासिल करते हैं, माउंटेन की पीक पर पहुंचकर जीत हासिल करते हैं। इन इंडिया सम इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग आर द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। हमारे भारत में
कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पर ऐसे पर्वतारोहियों को तैयार किया जाता है, इट मीन्स ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक तो है आपका उत्तराखंड में, दूसरा है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में। इनके नामों का आप अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट का नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एंड वेस्ट बंगाल का है हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग। ओके, इन द ईयर 1984 बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। 1984 में बचेंद्री पाल पहली महिला, भारतीय महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। शी हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग विंड एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशन, बट एज शी हैड फोर्स डिटर्मिनेशन शी डिड नॉट गिव अप एंड रीच हर गोल विद हर टीम मेंबर्स। जब वो चढ़ाई करी माउंट एवरेस्ट पर तो उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग विंड्स का, खराब मौसम का, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो गोल है उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने पूरे टीम के साथ अपने गोल को अचीव किया। शी हैज बीन अवॉर्डेड विद द अर्जुना, और उनके बाद उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया, अर्जुना अवार्ड एंड द पद्मश्री अवार्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेस ट्रैवलिंग, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा। करना चाहोगे मेरे साथ? चलो तो करते हैं। द पिक्चर्स दैट वी सी ऑफ आर आर द आउटर प्लैनेट्स, द मून एंड द सन आर ऑल टेकन फ्रॉम द आउटर स्पेस। हम अपनी पृथ्वी से या फिर अन्य ग्रह, चंद्रमा और सूर्य की जो चित्र देखते हैं वो सब कहाँ से लिए गए हैं? हमारे आउटर स्पेस से लिए गए हैं। द डार्क आउटर स्पेस एज सीन इन द पिक्चर्स इंट्रिग्यूस द ह्यूमन माइंड, फोर्सिंग इट टू इमेज हाउ इट वुड बी लाइक टू बी आउट देयर। ठीक है, जैसे कि हमारा बाहर का अंतरिक्ष है, चित्र में आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, दैट इज आउटर स्पेस। ओके, तो हम इन सब चीजों की कल्पना पे हमको ये मजबूर कर देता है कि वहां पर क्या क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है डीपली? ठीक है, वो बताता है इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा आर नोन फॉर स्टडिंग स्पेस एंड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। हमारे ये दो इंस्टीट्यूट हैं, ये हमारे रिसर्च सेंटर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो और नासा हो गए। यहाँ पर स्पेस की पढ़ाई की जाती है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। दीज स्टडीज आर कंडक्टेड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज स्मॉल पार्ट। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे ब्रह्मांड को बेहतर समझने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा हिस्सा हमारी पृथ्वी का भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट्स आर पीपल हु आर ट्रेन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स ऐसे लोग होते हैं जो यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं। दे ट्रैवल बाय स्पेसशिप और स्पेस शटल। वो किससे ट्रैवल करते हैं? स्पेस शिप से या फिर स्पेस शटल से। दीज व्हीकल आर स्पेशली डिजाइन टू ट्रैवल इन टू स्पेस। और ये व्हीकल हैं, वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इन टू स्पेस वॉज यूरी गैगरिन फ्रॉम रशिया। और सबसे पहले ये ट्रैवल करने वाला स्पेस में कौन बनता था? रशिया का यूरी गैगरिन। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। और नील आर्मस्ट्रांग जो था वो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला बंदा था जिसने अपना कदम रखा था। वेरियस सैटेलाइट एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट हैव बीन सेंट इनटू स्पेस टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, है ना, विभिन्न उपग्रह हैं, मानव रहित यान है, उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया, मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं गया है, ऐसे यान को अंतरिक्ष में भेजा गया। दीज आर इक्विपाइड विद कैमराज एंड आर कंट्रोल्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द अर्थ एज वेल एज स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन पे जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने
अर्थ से उसको कंट्रोल किया, क्योंकि उसमें कैमरास लगे हुए थे, उस कैमरा से उसको हैंडल किया, देखा आखिर वहाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दीज सैटेलाइट प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट विंड वेदर पैटर्न ईटीसी। और ये सैटेलाइट्स ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, किसके बारे में, मौसम के बारे में, वहाँ की हवा के बारे में, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। उसके बाद द सिग्नल्स ऑफ द टेलीविजन चैनल दैट वी वॉच एंड द सिग्नल ऑफ द मोबाइल नेटवर्क दैट एनेबल अस टू कम्युनिकेट आर ऑल ट्रांसमिटेड बाई द सैटेलाइट। फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड कैन ऑल्सो बी स्पॉटेड विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। टेलीविजन चैनल के सिग्नल जिसे हम देखते हैं, और जो नेटवर्क के सैटेलाइट सिग्नल हैं जो हमें कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल बनाते हैं, सभी उपग्रह द्वारा प्रेषित होते हैं, सभी उपग्रह द्वारा ऑपरेट होते हैं। इन उपग्रह की मदद से हम जंगल में आग लगी है या फिर बाढ़ है, उन सबको भी देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स स्क्वाड्रॉन लीडर राकेश शर्मा एंड Indian Air Force pilot was the first Indian to go into space in the year 1984. Squadron leader Rakesh Sharma एक भारतीय वायु सेना के पायलट हैं, थे मींस उस समय वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। Okay, it was an Indo-Russian space flight and Rakesh Sharma traveled with other cosmonauts from Russia. और ये एक भारतीय रूसी अंतरिक्ष उड़ान थी, और राकेश शर्मा रूस के अन्य कॉस्मेटिक जो ये आपके कॉस्मोनॉट्स थे, मतलब रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनके साथ उन्होंने यात्रा की थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू आउटर स्पेस। और कल्पना चावला सबसे पहली इंडियन थी जो बाहरी अंतरिक्ष में गई थी, मतलब जाने वाली सबसे पहली इंडियन वुमेन थी। ड्यूरिंग हर सेकेंड फ्लाइट इन 2003 हर स्पेस शटल मेट विद एन एक्सीडेंट एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन सर्वाइव। लेकिन दुर्भाग्य से 2003 में उन्होंने जब दूसरी उड़ान भरी तो उनका अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस दुर्घटना के कारण कोई भी वहां से जीवित वापस नहीं आ पाया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबमरीन। इवन इफ यू नो हाउ टू स्विम, यू विल नॉट बी एबल टू डाइव डीप अंडर द वाटर टू एक्सप्लोर द वंडर्स ऑफ द डीप सीज एंड ओशंस। अगर आप तैरना जानते हैं तभी आप गहरे समुद्र महासागर में चमत्कारों को पता लगाने के लिए जा सकते हैं, और अगर तैरना नहीं जानते हैं तो शायद आप नहीं जा पाएंगे। बट एन एडवेंचरस माइंड नो नो लिमिट्स। लेकिन एडवेंचरस की कोई लिमिट ही नहीं होती। सब मारे एडवेंचर्स आर नाउ बीइंग अफोर्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एज पीपल आर लुकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द डीप सी वॉयेजेस। अभी क्या हो रहा है, पनडुब्बी जो मतलब थ्रिल मचा रही है पनडुब्बी से, अब क्या हो रहा है, पर्यटक जो रहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, कैसे कि लोग गहरे समुद्र में जा रहे हैं जीवों का पता लगाने के लिए, है ना, और उनको अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा है कुछ चीजों को तलाश करने में, ठीक है। फॉर अस गो फॉर अ सबमरीन एडवेंचर एंड यू विल बी एबल टू सी रेयर सी एनिमल्स। यदि आप पनडुब्बी में जाते हैं, ठीक है, तो वैसे तो अंदर जाना बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, साहसी काम है अंदर जाना पानी के अंदर, आप पाएंगे, आप डिस्कवरी में भी देखते होंगे, है ना, तो आप वहाँ अलग अलग टाइप के जानवर पाएंगे, जैसे कि बड़ी मकड़ी, केकड़ा, है ना, कीड़े, बड़े बड़े भेड़िया, मछली, मतलब उसका नाम है, और जो गिल शार्क है या फेक टूथ मछली, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। जैसे जेंट स्पाइडर कैप, अभी तो मैंने हिंदी में बताया, जेंट ट्यूबॉर्म, वॉल फिश, जब भी बोले ना मैंने भेड़िया मछली इसी को, सिक्स गिल शार्क, फैंग टूथ फिश, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, आपको देखने को भी मिलेंगी। हम जैसे लोग जाएंगे भैया तो डर के मारे ऊपर उचक के आ जाएंगे, है ना। इनको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये शायद आपके किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। सब मैरिन आर सुटेबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू डाइव इन टू द डेप्थ ऑफ वाटर। अरे जो सब मैरिन है,
ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो पानी की गहराई में जाने को तैयार रहते हैं, हम जैसे लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी छुपे हुए हैं, तो आप दो से तीन बार इस वीडियो को देखिए और जिन आंसर्स पे मैंने अंडरलाइन किए हैं उनके जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।